और इस वक्त सीधे रुख करेंगे सचिन पायलट का। तो कार्यक्रम रख लिया था और फिर रमेश मीना जी ने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में आना चाहिए और उन्होंने विशेष रूप से दबाव डालकर मुझे कहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी की लगातार सभाएं मीटिंग हो रही हैं, लेकिन मुझे लगा आप सबके दर्शन मुझे हो जाएंगे, इसलिए इस कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मुझसे पूर्व गोविंद जी ने और प्रताप जी ने जो बात आपके सामने रखी, उससे कम से कम एक बात तो साफ है कि प्रदेश की सरकार के काम करने का तरीका, प्रदेश की सरकार की नीयत आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। हमारे दोनों जो साथी मंत्री हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश जी कर रहे हैं, उनकी बात भी आप सुनिएगा। लेकिन सरकार में आप जैसी संस्थाओं का, आप जैसे कर्मचारियों का, लोगों का जो मान सम्मान और काम करने की जो हमारी एक तीस है मन में, वो जग जाहिर आज इन दो भाषणों से हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रताप सिंह जी का भी और गोविंद जी का भी, कि जिस गंभीरता से आप सारी बातों को सुन रहे थे, आपकी जो तमाम मांग पत्र हैं उसको हमने देखा। और मैं इस मन से कम आप लोगों को आश्वासित करना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार में ये जो बहुत लंबा बेवजह का विवाद खींच गया था, मीना और मीना वाला, इस विवाद की कोई जरूरत नहीं थी और सरकार ने स्पष्ट कर दिया। आज भी अगर राजस्थान प्रदेश में कोई अधिकारी, कोई अफसर अगर कहीं भी किसी को दिक्कत आती है तो कृपा करके हमको बता दीजिए, कोई दिक्कत पूरे राजस्थान में हमारे नौजवानों को नहीं आने देंगे। अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, पूरे प्रशासन को दोबारा कह दिया जाएगा, क्योंकि ये जो विवाद लगातार बढ़ रहा था इसकी कोई वजह नहीं थी, कानून कोई बदला नहीं, शब्द में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बेवजह से इस मामले को, मैं इस मन से आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय के लिए, वर्तमान के लिए मेरी पार्टी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस विवाद को जड़ से हम लोग खत्म करेंगे। कहीं किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कृपा करके हम लोगों को बताएं, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। और साथियों, हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें उन चुनौतियों का सामना करना है। ये बेवजह की जो विवाद पैदा होते हैं, इससे कोई लाभ किसी को मिलता नहीं है, इससे समय जाया होता है, समय की बर्बादी होती है और लोगों को बेवजह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक बार पुनः आपको आश्वासित करता हूं कि इसको गंभीरता से हम लोग लेंगे। सरकार की तरफ से अगर कुछ करना पड़ा तो सरकार तुरंत प्रभाव से, चाहे स्पष्टीकरण हो, चाहे सरकार के आदेश हो, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से भी, तमाम जो मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, कहीं प्रदेश में किसी व्यक्ति को, नौजवान को, बच्चे बच्चे को दिक्कत आए तो पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। इस वजह से कहीं आप लोगों का रास्ता ना रोके, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अभी राजस्थान और देश में चुनाव भी आने वाले हैं, किसी भी दिन चुनावों की घोषणा हो सकती है और 5 साल तक जिन लोगों को देश को चलाने का जिम्मा दिया गया था, उन लोगों को आपने देखा अच्छी तरह से। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी टोंक गए थे, जहां से मैं चुनकर आया हूं, और मेरे ख्याल आज वो अमेठी जा रहे हैं, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। तो ये जो लगातार सभाएं कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में आके हमारी पार्टी सरकार को कोसने का काम हो रहा है, तो 2 महीने में इस प्रदेश ने ऐसा बुरा क्या कर दिया कि जब लाभार्थियों को मिलते थे तो बढ़ाइयां करते थे, और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में किसानों का ऋण माफी होती है तो बढ़ाई करते हैं, और राजस्थान में हम लोग ऋण माफी करते हैं तो उसकी बुराई करते हैं। और ये भ्रम पैदा करा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, कि प्रदेश की सरकार हमें सूची नहीं दे रही किसानों को, जो हम लोग पैसा देना चाहते हैं खाते में, और कितना पैसा देना चाहते हैं, 2000 रुपये। 2000 रुपये में तो ट्रैक्टर का डीजल का टैंक भी पूरा नहीं भरता है, लेकिन किसान को 2000 रुपये देना चाहते हैं और कहते हैं सूची दे दीजिए। किसान की मदद करने के लिए अगर सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी या कांग्रेस की सरकार सामने आती है तो उसको मजाक बताते हैं, और आपने किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, उसको आप 2000 रुपये दे रहे हैं, तो ये भाषणों से लोगों का पेट नहीं भरता।
अभी पता नहीं कौन, मैं कहीं मीटिंग में था। और चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबर।